प्यारे बच्चों नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में लाप्लास ट्रांसफॉर्म के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और आज उस टॉपिक में हमें स्टूडेंट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म और पीरियोडिक फंक्शन के ऊपर बात करना है, और इट्स अ इजी टॉपिक और बहुत ही छोटा टॉपिक है। सिंपली हम लोगों को एक पीरियोडिक फंक्शन दिया रहेगा स्टूडेंट, जिसके लिए हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, ठीक है ना। आइए ज़रा देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। लेट एफ टी बी द पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड टी दैट इज एफ स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी इज इक्वल्स टू एफ टी, देन देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी फंक्शन एफ टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल टी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस कैपिटल टी। राइट स्टूडेंट्स, जहाँ पर जो टी है वो पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड है और स्मॉल टी वेरिएबल है, और बाकी एस आप जानते ही हैं, एस इज द पैरामीटर विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, हमें प्रूफ करना है बच्चों, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू 0 टू टी टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी। ठीक, तो आइए ज़रा आप इसका प्रूफ शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग वो चीज़ें लिखेंगे स्टूडेंट जो हमें यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक, जैसे कि सिंस एफ टी इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन, सो एफ स्मॉल टी इज इक्वल्स टू एफ टी प्लस कैपिटल टी इज इक्वल्स टू एफ टी प्लस 2t इज इक्वल्स टू एफ टी प्लस 3t इज इक्वल्स टू, सॉरी, हाँ, 3t इज इक्वल्स टू एंड सो ऑन। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैपिटल टी का मल्टीपल चाहे कुछ भी हो, चाहे 4t हो, चाहे 5t हो, चाहे 6t हो, एफ टी प्लस एन टी की जो वैल्यू है हमेशा एफ टी के इक्वल ही रहेगी। मतलब टी पीरियड से जब हम स्मॉल टी में उसे ऐड करेंगे तो हमें हमेशा एफ टी ही मिलेगा। नाउ आगे बढ़ते हैं बच्चों। बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एल ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। यहाँ पर स्टूडेंट्स एस इज ग्रेटर देन 0 है। अब ये जो लिमिट है इंटीग्रेशन की बच्चों, इस लिमिट को हम लोग ब्रेक करेंगे और कुछ इस तरह से ब्रेक करेंगे कि हर जो इंटीग्रेशन है, ठीक है ना, उसकी जो लेंथ ऑफ द इंटरवल है इंटीग्रेशन का वो टी बना रहे हैं हमेशा। सबसे पहले 0 टू टी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी प्लस टी टू 2t ई टू द पावर माइनस एफ एस टी एफ टी डी टी इज प्लस इंटीग्रेशन 2t टू 3t ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन 3t टू 4t ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी प्लस सो ऑन। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लिमिट ब्रेक करते जाएंगे, इनफाइनाइट तक ये सीरीज चली जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोगों को करना क्या है कि ये जो पहला इंटीग्रेशन है, जो दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, उन इंटीग्रेशंस को कुछ इस तरह से चेंज करना है हमें सब्स्टिट्यूशन करके, ताकि ये सब इंटीग्रेशन पहले इंटीग्रेशन की तरह हो जाए स्टूडेंट, यानी सबकी लिमिट 0 टू t हो। तो इसके लिए हम लोग एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। पुट इट्स अ स्मॉल टी इज इक्वल्स टू यू प्लस कैपिटल टी, स्मॉल टी इज इक्वल्स टू यू प्लस 2t
t is equals to u plus 3t and so on respectively in second, third, fourth integrals. ऐसा सब्सटीट्यूशन करने से स्टूडेंट्स अब ज़रा देखिए देखते हैं कि क्या चेंजेस आएंगे सेकंड, थर्ड और फोर्थ इंटीग्रल में. और बारी बारी से आइए यहाँ पर सब्सटीट्यूशन करते हैं और देखते हैं. ठीक, ध्यान दीजिएगा कि जब सेकंड इंटीग्रल में हम स्मॉल t इज इक्वल्स टू यू प्लस कैपिटल t रखेंगे और जब हम यहाँ पर लिमिट u जब स्मॉल t इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट t रखेंगे तो u इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा. जब उसमें अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे स्मॉल t की जगह सेकंड इंटीग्रल में मतलब t में तो हमें मिल जाएगा बच्चों t 2t इज इक्वल्स टू u प्लस स्मॉल कैपिटल t, तो u की वैल्यू आ जाएगी केवल t. ठीक, उसी तरह से जो सेकंड इंटीग्रल थर्ड इंटीग्रल है उसमें जब हम u इज इक्वल्स t स्मॉल t इज इक्वल्स टू u प्लस 2t रखेंगे और t की जगह पर लोअर लिमिट 2t रखेंगे तो u इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा और जब 3t रखेंगे तो u इज इक्वल्स टू कैपिटल t मिलेगा. और इसी तरह से थर्ड इंटीग्रल में भी हम लोग करेंगे. तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, वी गेट l ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू, पहले इंटीग्रेशन में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इंटीग्रेशन 0 टू t e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी प्लस. अब जरा ध्यान दीजिएगा सेकेंड इंटीग्रल में क्या चेंजेस आएंगे. नो डाउट लिमिट तो 0 टू t रहेगी e टू द पावर माइनस एस, स्मॉल t की जगह लिखेंगे u प्लस कैपिटल t, तो स्मॉल t की जगह u प्लस t और ये साथ में s एज इट इज आएगा, इसको पहले लिख देते हैं है ना, और f u प्लस कैपिटल t. और जब डिफरेंशिएट करेंगे दोनों और विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे तो dt इज इक्वल्स टू du आ जाएगा है ना, तो ये du प्लस थर्ड इंटीग्रल में ध्यान दीजिएगा 0 टू t टू द पावर माइनस s u प्लस 2t f u प्लस 2t du एंड प्लस सो ऑन, जो है ना ये सीरीज इनफाइनाइट तक जाती जाएगी. ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि हमने स्मॉल t की जगह ये चेंजेस किए हैं और ये चेंजेस करने के बाद हमारे पास में ये मिला है. ठीक, अब आइए आगे देखते हैं. तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, अब देखते हैं आगे क्या होगा. पहले इंटीग्रेशन में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, इट्स 0 टू t e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी राइट. सेकेंड इंटीग्रल में ये e टू द पावर माइनस एस टी इंटीग्रेशन u के रिस्पेक्ट में है तो ये माइनस एस कैपिटल t जो है इसको बाहर ले आते हैं तो अंदर रह जाएगा e टू द पावर माइनस एस टी बाहर आ जाएगा e टू द पावर माइनस एस कैपिटल t और इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू t e टू द पावर माइनस एस यू एफ यू प्लस कैपिटल t डी यू. प्लस थर्ड इंटीग्रल में भी हम लोग यही करते हैं बच्चों, ये e टू द पावर माइनस एस टू कैपिटल t जो है उसको बाहर ले आते हैं तो ये e टू द पावर माइनस 2st इंटीग्रेशन 0 टू t e टू द पावर माइनस एस यू एफ यू प्लस 2t dt. और अगर हम लोग इसी तरह फोर्थ इंटीग्रल में देखें तो बच्चों क्या आना चाहिए, e टू द पावर एस 3t इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल t e टू द पावर माइनस एस यू एफ यू प्लस 3t du प्लस डैश डैश डैश. अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों कि यहाँ पर हमने देखा था स्टार्टिंग में इक्वेशन नंबर 1 में कि जो f था वो एक पीरियोडिक फंक्शन था. तो फंक्शन में वेरिएबल चाहे कुछ भी हो, चाहे u हो चाहे t हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन जब वेरिएबल में हम t यानी उस फंक्शन की पीरियड को ऐड करेंगे तो उस फंक्शन की वैल्यू वापस हमें वही मिल जाएगी जो उसकी ओरिजिनली थी, यानी कि एफ यू के इक्वल ही आ जाएगा वो. ठीक, यानी कि एफ यू प्लस टी की वैल्यू भी एफ यू के इक्वल होगी, एफ यू प्लस टू टी की वैल्यू भी एफ यू के इक्वल होगी. तो नाउ स्टूडेंट्स अब ऐसा जब हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा पहले इंटीग्रेशन में कोई चेंजेस नहीं, e टू द पावर माइनस एस कैपिटल टी 0 टू टी e टू द पावर माइनस एस यू एफ यू, ये एफ यू प्लस टी की वैल्यू एफ यू हो गई क्योंकि एफ जो है एक पीरियोडिक फंक्शन है. उसी तरह से थर्ड में बच्चों प्लस e टू द पावर माइनस 2st 0 टू टी e टू द पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू एंड प्लस e टू द पावर माइनस एस e टू द पावर माइनस 3st 0 टू टी
e to the power minus su, fu, du and plus so on. और आप डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से जानते हैं कि ओके, उससे पहले जरा देख लें कि अपन ने जो पीरियोडिसिटी की प्रॉपर्टी का यूज किया है उसके मतलब क्या है. ठीक, तो ये पीरियोडिसिटी की प्रॉपर्टी जिसके कारण सारे जो टर्म्स थे वो एफ यू में कन्वर्ट हो गए हैं. और ध्यान दीजिएगा कि पीरियोडिक फंक्शन में हम पीरियड के किसी भी मल्टीपल को जब ऐड करते हैं वेरिएबल में तो फंक्शन की वैल्यू वही मिलती है हमें जो एफ यू पर मिल रही होती है. ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि पहले इंटीग्रल में जो वेरिएबल है वो टी है, दूसरे में यू है, तीसरे में भी यू है, चौथे में भी यू है. तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि ये जो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है उससे हम इस सेकंड, थर्ड और फोर्थ इंटीग्रल में जो वेरिएबल है उसे भी टी में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक, तो हमें मिल जाएगा फर्स्ट इंटीग्रल में कोई चेंजेस नहीं, ई टू द पावर माइनस एस टी इज ओके. ठीक, ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी हमने सेकेंड इंटीग्रल में यू की जगह टी ले आए हैं बच्चों, ऐसे ही थर्ड इंटीग्रल में भी कर देंगे और फोर्थ इंटीग्रल में भी. ठीक, एंड सो ऑन. अब इन सब इंटीग्रल्स में ज़रा ध्यान से देखिएगा, आपको एक कॉमन टर्म दिख रहा होगा और जब हम वो कॉमन लेंगे बच्चों तो हमें मिलेगा इज इक्वल्स टू ई टू द पावर सॉरी इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल टी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी. ये कॉमन निकाल लिया स्टूडेंट, अब जरा ब्रैकेट में देखिए कि हमें क्या मिलेगा. हमें मिलेगा पहले इंटीग्रल तो पूरा का पूरा चला गया तो 1 प्लस, दूसरे में e टू द पावर माइनस एस टी रह जाएगा तो फिर से 1 प्लस e टू द पावर माइनस एस टी प्लस e टू द पावर माइनस एस सॉरी माइनस 2 एस टी प्लस e टू द पावर माइनस 3 एस टी प्लस सो ऑन. ठीक है, और इसे देखिए जरा स्टूडेंट ध्यान से, ये बेसिकली एक सीरीज है और बाइनोमियल थ्योरम से आप लोग इसको एक सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं. और इस सीरीज की जो वैल्यू होती है वो होती है पहले तो वही ब्रैकेट के बाहर जो है, और इट्स अ सीरीज ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी रेस्ट टू द पावर माइनस 1. ये इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन है बच्चों. 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी रेस्ट टू द पावर माइनस 1 का जब बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो हमें जो ऊपर लिखा है वो सीरीज मिलेगी. आप इसे इस तरह से भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स के 1 माइनस एक्स रेस्ट टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन. जब इस सीरीज में हम x की जगह पर e टू द पावर माइनस एस टी लिखेंगे स्टूडेंट्स तो हमें वही सीरीज मिलेगी जो ऊपर ब्रैकेट में लिखी हुई है. तो यहाँ पर स्टूडेंट फिर इसको हम जो रेस्ट टू द पावर माइनस 1 है उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो फाइनली हमें मिल जाएगा, पेन खराब हो गया. तो स्टूडेंट्स हमें मिलेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल टी एस ई टू द पावर माइनस एस टी एस टी एफ टी डी टी अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस कैपिटल टी. तो स्टूडेंट जो हमें प्रूफ करना था वो हम लोगों ने यहाँ पर प्रूफ किया और आपने देखा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू 0 टू टी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी होता है. और आप इस प्रॉपर्टी का यूज करके स्टूडेंट किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं. जैसे कि मान लीजिए एफ टी इज इक्वल्स टू हमारे पास में एक फंक्शन लेते हैं बच्चों एफ टी इज इक्वल्स टू टी एंड दिस इज पीरियोडिक विथ पीरियड माइनस पाए टू प्लस पाए. राइट, मतलब ये जो फंक्शन है एफ टी इज इक्वल्स टू टी ये इसका जो पीरियड है वो है 2 पाए और ये माइनस पाए से प्लस पाए में डिफाइन है और हर 2 पाए के बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट करता है स्टूडेंट.
तो यहां पर पर्टिकुलरली इस केस में जो कैपिटल टी की वैल्यू है वो तो हो जाएगी 2 पाई, और फंक्शन अपने आप को रिपीट कर रहा है, यानी कि एफ टी प्लस 2 पाई इज इक्वल्स टू एफ टी। तो यहां पर आप ये जो फंक्शन है, आपने जो फॉर्मूला लिखा है ऊपर, इसमें बस कैपिटल टी की जगह पर आप पाई 2 पाई लिख दीजिए, एस ऐसी रहेगा, स्मॉल टी की जगह टी रहेगा, एफ टी की जगह चला जाएगा टी, और इंटीग्रेट कर दीजिएगा, आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस पीरियोडिक फंक्शन मिल जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक, तो इस तरह से आप किसी भी उस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं जो कि पीरियोडिक हो आसानी से। ठीक, हमने शॉर्ट में स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट को पूरा किया और लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड किया पीरियोडिक फंक्शन का। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको इस टॉपिक में या फिर लाप्लास रिलेटेड कोई क्वेरी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।